हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग अपने आधार कार्ड के अंदर यदि नेम या फिर डेट ऑफ बर्थ में किसी भी प्रकार का गलती हो गया है तो उसे आप घर बैठे कैसे सुधार सकते हैं। तो काफ़ी आसान सा प्रोसेस है दोस्तों, वीडियो को आप कम्प्लीटली वॉच कर लीजिएगा ताकि सब कुछ आपको आसानी से समझ में आ जाए। इसके लिए सिंपली आपको अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाना है और किसी भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको टाइप करना है UID, ठीक है, UID आपको टाइप कर लेना है। टाइप करने के बाद इसे आपको सर्च कर लेना है, ठीक है। सर्च करने के बाद दोस्तों आपको पहले नंबर पे ही आधार कार्ड का ऑफिशियल साइट देखने को मिल जाता है, देख पा रहे होंगे यहाँ पे UIDAI.gov.in, ठीक है। आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपसे भाषा पूछा जाएगा, तो जो भी भाषा आपको पसंद होगा उस भाषा के साथ में आप आगे बढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे इंग्लिश को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इंग्लिश को सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपके स्क्रीन के ऊपर जो है वो आधार कार्ड का ऑफिशियल पेज आपको देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों आपको सिंपली स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। देख सकते हैं ये आधार कार्ड का ऑफिशियल पेज है जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक देखिए छोटा सा ऐड दिया गया है, तो आप क्रॉस वाले निशान से इसे सबसे पहले आप हटा लें, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के क्रम में जो पहला आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा दोस्तों वो गेट आधार का देखने को मिल जाएगा। आपको गेट आधार के ऊपर क्लिक कर लेना है। गेट आधार के ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर देखिए पहला जो आपको ऑप्शन देखने को मिलता है वो बुक एंड अपॉइंटमेंट का मिल जाता है, ठीक है। आपको बुक एंड अपॉइंटमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। और उसके बाद दोस्तों जैसे आप क्लिक करते हो आपको एक नए पेज के ऊपर डायरेक्ट कर दिया जाता है। और यहाँ पे देखिए कह रहा है कि आप इस सेक्शन के माध्यम से अपना नाम में सुधार कर सकते हो, नया आधार कार्ड बना सकते हो, एड्रेस में सुधार कर सकते हो, मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हो, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, मतलब ऑलमोस्ट आधार कार्ड से रिलेटेड जो है वो सारे काम को आप कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए अपॉइंटमेंट बुक करने से फ़ायदा ये होगा कि आपको भीड़ में जो है वो लगना नहीं पड़ेगा और जो आधार कार्ड के ऑपरेटर्स होंगे उनको ऑलरेडी पता हो जाएगा कि आपका नेम जो है और डेट ऑफ बर्थ इसमें सुधार करना है, ठीक है। तो बस आपको ये दो फायदा हो जाएगा कि किसी भी प्रकार का आपको टेंशन ना होगा, भीड़ में लगने की आवश्यकता नहीं होगी और साथ में आपका नेम एंड डेट ऑफ बर्थ जो है वो यहीं से चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है। बस केवल जा करके वहाँ पे आपको अपना फिंगरप्रिंट और कुछ बेसिक डिटेल्स को वहाँ पे देना होता है। उसके बाद आपका आधार में नेम और डेट ऑफ बर्थ को चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। तो आगे का प्रोसेस दोस्तों देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बुक एंड अपॉइंटमेंट एट UIDAI रन आधार सेवा केंद्र। तो इसमें आपको नहीं जाना है क्योंकि ये जनरली जो है वो आपके राज्य के राजधानी में होता है, घर से काफ़ी दूर पड़ेगा। तो आपको नीचे वाला जो ऑप्शन है दोस्तों बुक एंड अपॉइंटमेंट एट रजिस्टर्ड रन आधार सेवा केंद्र, इस वाले ऑप्शन के साथ में आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पे प्रोसीड टू बुक अपॉइंटमेंट है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए आपको नए पेज के ऊपर रिडायरेक्ट यहाँ पे किया जा रहा है। तो साइट देख सकते हैं थोड़ा सा डाउन है, खुलने में टाइम ले रहा है। यहाँ पे देखिए पहला बोला जा रहा है लॉगिन, लॉगिन यहाँ पे करने के लिए कहा जा रहा है। तो लॉगिन आप मोबाइल नंबर से कर सकते हो, ईमेल आईडी से भी कर सकते हो। तो सिंपली दोस्तों मोबाइल नंबर में टिक रहने देना है, यहाँ पे कोई भी मोबाइल नंबर आप डाल दें, ठीक है। मोबाइल नंबर डालने के बाद जो कैप्चा दिया गया है इस कैप्चा को यहाँ पे फिल कर दें। आगे दोस्तों सेंड OTP का बटन है, सेंड OTP वाले बटन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे जो मोबाइल नंबर यहाँ पे डाला है उस मोबाइल नंबर में एक OTP आ जाता है। इस OTP को यहाँ पे सबमिट कर देना है और फिर दोस्तों देखिए जैसे OTP आप इंटर करोगे यहाँ पे सबमिट OTP इन प्रोसीड का बटन आपको देखने को मिल जाता है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। दोस्तों फाइनली यहाँ पे OTP आ चुका है, देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं सबमिट एंड प्रोसीड वाला बटन के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए सबमिट एंड प्रोसीड वाले बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा आपको टाइम लेगा, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेना है। दोस्तों जैसे ही आप सबमिट करते हैं OTP, यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको दिखाई देते हैं। पहला जो है वो न्यू इनरोलमेंट का, दूसरा अपडेट आधार का, ठीक है। आपको अपडेट आधार के ऊपर क्लिक कर देना है। देख सकते हैं अपडेट आधार के ऊपर क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा और फिर यहाँ पे नेक्स्ट पेज के ऊपर आप आ जाएंगे। यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहा है, देखिए लिख करके आ रहा है सेलेक्ट द वेरिफिकेशन टाइप, और इसमें से दो ऑप्शंस है दोस्तों, एक डॉक्यूमेंट बेस्ड अपडेट और दूसरा है गार्जियन रिलेशनशिप प्रूफ बेस्ड अपडेट HOF, ठीक है।
कहने का मतलब है कि यदि आपके पास में खुद का डॉक्यूमेंट है अपडेट कराने के लिए, जैसे पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट है तो आप ऊपर वाला बॉक्स में टिक रहने दें। अन्यथा यदि आपके पास में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप नेक्स्ट वाला जो बॉक्स है इसमें टिक लगा सकते हैं। तो खैर मेरे पास तो अपना खुद का डॉक्यूमेंट है दोस्तों, तो मैं यहाँ पर ऊपर वाला बॉक्स में ही टिक रहने देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए कह रहा है कि इंटर डिटेल्स एज पर आधार, तो सिंपली यहाँ पर आपको अपना नेम डाल देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका देखिए आधार नंबर लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको नेम डालना है, यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों रेसिडेंट टाइप पूछा गया है, तो यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, एक इंडियन रेसिडेंट का, दूसरा जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा नॉन इंडियन रेसिडेंट का। तो दोस्तों यदि आप भारतीय हैं तो यहाँ पर रहने दें। उसके बाद देखिए कह रहा है कि व्हाट डू यू वांट टू अपडेट, यानी कि क्या आप अपडेट करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको अपडेट क्या करना है, एक आपका नेम, तो नेम वाला बॉक्स में टिक लगा देना है, ठीक है, एक नेम वाला बॉक्स में टिक लगा देना है। उसके बाद आपको एक और क्या अपडेट करवाना है, तो एक और आपको जो है वो डेट ऑफ बर्थ अपडेट करवाना है, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ वाला बॉक्स में टिक लगा देना है। यहाँ पे देखिए मैंने डेट ऑफ बर्थ वाला बॉक्स में टिक लगा दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे सिंपली दोस्तों आपको जो है वो नीचे में प्रोसीड वाला बटन है, प्रोसीड वाला बटन के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो चलिए तो फिलहाल मैं सारा डिटेल्स को एक बार भर लेता हूँ, उसके बाद प्रोसीड वाला बटन के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। दोस्तों फाइनली मैंने सारा डिटेल को भर लिया है, अब चलिए प्रोसीड वाला बटन है इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्रोसीड वाला बटन के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। देखिए कह रहा है कि आस्क UIDAI.gov.in सेज आधार नंबर जो मैंने यहाँ पे डाला है वो कह रहा है कि कैन नॉट बी एडिटेड लेटर, यानी कि बाद में इसे सुधारा नहीं जा सकता है। डू यू वांट टू प्रोसीड, क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं। यदि आपका आधार नंबर दोस्तों यहाँ पे आएगा और वो सही है तो फिर आप ओके वाला बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, और यदि आपने आधार नंबर गलत डाला है तो फिर आप जो है फिर से सुधार करके अपना आधार नंबर डालें। तो मेरा आधार नंबर सही है, मैं ओके वाला बटन के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक नए पेज के ऊपर आप रिडायरेक्ट हो जाते हो, और इसमें जो है इस पेज के अंदर आपको अपना सही डेट ऑफ बर्थ और सही नेम को यहाँ पे भरना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पेज खुल रहा है ये, और फाइनली ये ओपन हो चुका है। अब इस पेज के अंदर देखिए दोस्तों आपका डिटेल्स आपको देखने को मिल रहा है, जैसे कि नेम, आधार नंबर। अब यहाँ पे अपडेट नेम में आपको नया नाम यहाँ पे अपना डालना है, और फिर देखिए अपडेट डेट ऑफ बर्थ के अंदर यहाँ पे जो नया डेट ऑफ बर्थ को आप चेंज करना चाहते हैं उस डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे सेलेक्ट कर लें, ठीक है। ध्यान रहे दोस्तों जो आप नया नाम आपका नया नाम जो होगा वो यहाँ पे डालें, एंटर द न्यू नेम, और यहाँ पे अपडेट डेट ऑफ बर्थ के अंदर अपना जो नया डेट ऑफ बर्थ है उसे डालें, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट लिस्ट के अंदर दोस्तों देखिए यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, यानी कि सिलेक्ट प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट और सिलेक्ट प्रूफ ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट। तो आपको आधार कार्ड अपडेट करने के लिए दो डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, और यहाँ पे ध्यान रहे दोस्तों जो डॉक्यूमेंट दे रहे हैं वही डॉक्यूमेंट को आपको आधार अपडेट सेंटर में भी जा करके देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो भी डॉक्यूमेंट होगा, बहुत सारे डॉक्यूमेंट के ऑप्शन है, जैसे पासपोर्ट, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, तो जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास में होगा दोस्तों वो सारा डॉक्यूमेंट में से कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ से सेलेक्ट कर लें। मेरे पास तो खैर यहाँ पे दोस्तों जो हमारा वोटर कार्ड है तो मैं वोटर कार्ड को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए सेलेक्ट प्रूफ ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट, तो बर्थ डॉक्यूमेंट के रूप में भी कई सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपके पास में डॉक्यूमेंट होगा वो दे सकते हो आप। मैं यहाँ पे अपना क्लास 10th का जो सर्टिफिकेट है SLC बुक सर्टिफिकेट, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए सेव एंड प्रोसीड वाला बटन है, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जो अपडेट करना चाहते हो नेम और डेट ऑफ बर्थ वो डालना है, तो इसे मैंने नहीं डाला है, चलिए मैं डाल लेता हूँ। तो दोस्तों सारा डिटेल को फिल करने के बाद यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड वाला बटन है, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका सारा डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आप एक बार सारा डिटेल को चेक कर लें, उसके बाद यहाँ पे परमिशन दे देना है, कंसेंट दे देना है। इसके लिए आपको ये वाला बॉक्स दिया गया है, इसमें टिक लगा दें आप, ठीक है। इस बॉक्स में आपको टिक लगा देना है, और फिर यहाँ पे सिंपली जो सबमिट वाला बटन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यदि सब कुछ सही है तो, यदि कोई दिक्कत है दोस्तों, कोई गलती हो गया भरने में, तो एडिट वाला बटन पे ऊपर क्लिक करके आप एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मेरा सारा डिटेल सही है, मैं सबमिट वाला बटन के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। सबमिट वाला बटन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हो दोस्तों, यहाँ पर देखिए सबमिट हो रहा होता है, तो थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है।
और ये हमारा जो है वो डिटेल सेव हो रहा है, फाइनली सेव हो चुका है। देखिए कह रहा है कि योर एप्लीकेशन हैज़ बीन क्रिएटेड, योर अपॉइंटमेंट आईडी, यहाँ पे आपको अपना अपॉइंटमेंट आईडी देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ से आप अपना रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ पे बुक अपॉइंटमेंट है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद अपॉइंटमेंट ले लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपको परमिशन कर देना है, अलाउ कर देना है, और फिर दोस्तों यहाँ पे जो है वो एडवांस सर्च का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ठीक है। आपको एडवांस सर्च के ऊपर क्लिक करना है। एडवांस सर्च के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको जो है अपने घर के नज़दीक नियरेस्ट आधार सेंटर ढूंढना है। इसके लिए आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं। पहला जो है वो सर्च बाय सेंटर नेम है, ठीक है, सेंटर नेम से आप सर्च कर सकते हो। दूसरा जो ऑप्शन है सर्च बाय पिन कोड, पिन कोड से आप सर्च कर सकते हो। तीसरा जो ऑप्शन है स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पोस्ट ऑफिस, विलेज या फिर टाउन सिटी डाल करके भी आप सर्च कर सकते हो। तो सबसे आसान है कि आप पिन कोड डालकर ही सर्च कर लो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मैं पिन कोड डाल लेता हूँ। पिन कोड डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे गेट डिटेल है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। आपके नज़दीकी जो भी आधार सेंटर्स होंगे वो सारे आधार सेंटर्स आपको देखने को यहाँ पे जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों, ये खुल रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको वेट कर लेनी है। फाइनली दोस्तों देख सकते हैं एक आधार सेंटर यहाँ पे पाया गया है। तो बुक अपॉइंटमेंट के ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे जो है वो आप नए पेज के ऊपर आ जाओगे। यहाँ पे जो भी ग्रीन कलर के अंदर है, हरे कलर के अंदर है, उस डेट में आप अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हो, ठीक है। तो मैं कोई भी एक डेट जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो है वो आप टाइम को भी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से टाइम के अंदर आप जो है अपना आधार अपडेट करवाने जाओगे। तो जो भी आपको टाइम कंफर्टेबल होगा वो टाइम आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सबमिट वाला बटन है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद कह रहा है कि अमाउंट टू बी पेड ₹50, पेड सेंटर यानी सेंटर पे आपको ₹50 का पेमेंट करना पड़ेगा। आपको कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो है वो आपका अपॉइंटमेंट फाइनली जो है वो बुक हो जाता है। और देख सकते हैं SMS भी एक आ जाता है कि आपका अपॉइंटमेंट क्रिएट कर लिया गया है। और फिर दोस्तों यहाँ पे जो है वो PDF आपको देखने को मिल जाता है। इस PDF को आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। ओपन करने के बाद ये जो आपका PDF है दोस्तों, इसे प्रिंट आउट निकलवा लेना है। और प्रिंट आउट निकलवाने के बाद इसको अपने आधार अपडेट सेंटर में लेते जाना है। उसके बाद आपका आधार कार्ड अपडेट कर दिया जाएगा। ध्यान रहे दोस्तों आपने जो दो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सेलेक्ट किए थे वही दो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे भी लेकर के जाना होगा। इससे ये आपका फ़ायदा होगा कि आप भीड़ में लगने से बच जाओगे और आपका आधार जो है वो इजिली नेम और जो डेट ऑफ बर्थ है वो सुधार दिया जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको अपना नेम और डेट ऑफ बर्थ को सुधारना आ गया होगा। आप इजिली घर बैठे इसे चेंज करवा सकते हो, किसी भी प्रकार का लाइन में लगना, भीड़ से आप इजिली बच सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई इशू, कोई डॉट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछे, मैं निश्चित तौर पर आपके सभी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।